उससे पहले कि हमने एक और कुछ फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, मैंने अपना ट्राईपॉड की ऑर्डर किया था और फाइनली मेरा एक स्मॉल ट्राईपॉड आ गया है। फिरोजपुर जाना है, हम फिरोजपुर के लिए निकल गए हैं, लेकिन हम बाय बस जाएंगे। बाइक से जाने से थोड़ी प्रॉब्लम है, बाइक की सर्विस मैंने कराई नहीं थी अभी। रोड से मुक्सर के लिए बस मिली हमें 11:15 बजे। अब पहुँचेंगे हम मुक्सर तकरीबन 12 बजे। फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं, हमारा काम हो गया था और हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ। मॉर्निंग के लिए अंजलि मटर छील रही है, उसने अपने लिए चाय भी बना ली। हेलो गाइस, अगेन वेलकम टू माय ब्लॉग सुरेंद्र लाइव ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। और आज जो कि डेट हो गई है 2 फरवरी 2023, और आज हम जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर ऑफिस के काम से। आज हम जा रहे हैं फिरोजपुर, हम लौट से फिरोजपुर का सफ़र करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिरोजपुर का व्यू जो भी होगा हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। और दोस्तों, जो भी वीडियो है इसको आप स्किप मत किया कीजिए, वीडियो को पूरे बगैर विदाउट स्किप किए देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो ये वाली होने वाली है। और दोस्तों, और एक रिक्वेस्ट हो रहा है, ये भी पता चला है कि व्यू बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज़ रिक्वेस्ट है हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। दोस्तों, हमें थोड़ा फिरोजपुर जाने के लिए टाइम लग रहा है, क्योंकि वो जिस कारण से जाना था उसके कुछ डॉक्यूमेंट हैं, वो एक लड़का लेके आ रहा है बाहर से, उसको रिसीव करेंगे। देखो 10-15 मिनट लगेंगे। और उससे पहले कि हमने एक और कुछ फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, मैंने अपना ट्राईपॉड की ऑर्डर किया था और फाइनली मेरा एक स्मॉल ट्राईपॉड आ गया है, और इसकी हम ओपनिंग करते हैं। दोस्तों, हमारा ट्राईपॉड आ गया था और ट्राईपॉड की हम ओपनिंग करा रहे हैं। पार्सल फाइनली आ चुका है हमारा। इसको जल्दी से ओपन करते हैं। ये रहा बिल। पैकिंग काफी अच्छी की है इन्होंने, क्योंकि इसका जो कहीं टूटे ना ट्राईपॉड, इसके लिए बबल्स वाले वो इसके साथ लपेटा है। और ये ट्राईपॉड, मिनी ट्राईपॉड पॉड, ये है दोस्तों। इसके साथ एक मोबाइल का स्टैंड के लिए मिला है, और ये है ट्राईपॉड। काफ़ी अच्छा है, लुक है, इसको इस तरह हम पकड़ सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। और दूध वाला आ गया। देखो दोस्तों, ट्राईपॉड की लुक काफ़ी अच्छी है और पकड़ने भी काफ़ी सॉफ्ट है, ग्रिप अच्छी है इसकी। लेकिन इसमें मुझे सिर्फ एक ही माइनस पॉइंट है इसमें, मान लो अपने कैमरे को फर्स्ट कैमरा या फ्रंट कैमरा या बैक कैमरा कुछ करना हो, उसके लिए हमें सेम उसी पे जाना पड़ेगा मोबाइल को टच करके। यहाँ कोई ऐसा होना चाहिए कि बटन होना चाहिए जिससे हम कैमरा चेंज कर सकें। बाकी इसका काफ़ी अच्छा है, इसके क्वालिटी अच्छी है, ऐसी बात नहीं, क्वालिटी वगैरह अच्छी है, काफ़ी अच्छी पकड़ आ रही है, ग्रिप अच्छी है। हम फिरोजपुर के लिए निकल गए हैं, लेकिन हम बाय बस जाएंगे। बाइक से जाने से
थोड़ी प्रॉब्लम है, बाइक की सर्विस मैंने कराई नहीं थी अभी, और इसलिए हम बाय बस निकल रहे हैं। बस हमारी बस आने ही वाली है, बस स्टैंड जा रहा हूँ। बस स्टैंड पहुँचने वाले हैं। मुक्सर के लिए बस मिली हमें 11:15 बजे, अब पहुँचेंगे हम मुक्सर तकरीबन 12 बजे। दोस्तों हम रोज मुक्सर बस स्टैंड पहुँच गए, उसके बाद हमने मुक्सर से यहाँ से बस ली है और बस से यहाँ से फिरोजपुर तकरीबन 55 किलोमीटर है और आगे का सफ़र भी बस से ही कर रहे हैं। दोस्तों हम फिरोजपुर सिटी बस से उतर गए। बस से उतरने के बाद हम यहाँ के LIC ब्रांच में जा रहे हैं। ये है फिरोजपुर सिटी, क्या बढ़िया सिटी है। दोस्तों हम आए हैं LIC ऑफिस फिरोजपुर और ठीक मेरे पीछे है LIC दफ्तर। हम इसके अब दफ्तर में जाएंगे और यहाँ से जो कुछ डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करके हम निकलेंगे। फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं, हमारा काम हो गया था और हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ। ये है फिरोजपुर का व्यू और बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं। अब ये है फिरोजपुर का बस स्टैंड, हम पहुंच गए हैं फिरोजपुर बस स्टैंड के पास। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे मुक्सर की बस कहाँ से मिलेगी। कौन बस 17-6 लुधियाना पटियाला से जम्मू अमृतसर। हम फिरोजपुर बस स्टैंड पे हैं और ठीक मेरे पीछे ये कैट स्टार लगे हुए हैं फास्ट फूड वगैरह के। मैं पिछले 1/2 घंटे से फिरोजपुर बस स्टैंड पे हूँ लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई बस नहीं आई कभी भी, ख़ास करके एक फील्ड वाले को हमेशा अपने ही साधन पे विश्वास करना चाहिए। कभी भी कहीं पर भी बस से नहीं जाना चाहिए, ख़ास करके 100-150 किलोमीटर हो तो बसों पे या किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आज मैं घर पहुँचते लेट हो जाऊँगा, मेरी कलेक्शन रह जाएगी, अंधेरा हो जाएगा बहुत। 5 बजने वाले हैं, अभी तक बस नहीं आई। देखते हैं ये एक बस आई कहाँ की है, देखते हैं। दोस्तों पिछले 1 घंटे से हम वेट कर रहे हैं बस का लेकिन बस यहाँ पर हमें नहीं मिली। और ये है फिरोजपुर का बस स्टैंड, कैंट पे आए, कैंट पे भी नहीं है, फिरोजपुर कैंट पे भी बस। और तकरीबन 1 घंटा हो गया, इसीलिए दोस्तों हम आपसे कहते हैं कभी भी 100-125 किलोमीटर अगर जाना हो, आपके पास अपना व्हीकल है तो हमेशा अपने ही साधन से जाएं। 1 घंटा वेट करने पर भी बस नहीं मिली और हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि भाई बुरा हाल है। बाइक थी लेकिन बाइक की सर्विस नहीं हुई थी, जिसके कारण सोच रहा था कि बाइक
ना लेके जाऊं, कहीं रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। लेकिन यहाँ टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ दोस्तों। हमें फाइनली बस मिल गई है फिरोजपुर कैंट से, तकरीबन एक घंटा हो गया। एक घंटे से वेट करते करते हमें फाइनली फिरोजपुर कैंट से हमें बस मिल गई है। और हम देखो यहाँ से दो घंटे मुक्सर के लग जाएंगे, 6:30 के आसपास पहुँचना होगा। दोस्तों हम बस से उतरते ही हमने फिर अपनी बाइक ली जो कि स्टैंड पे खड़ी थी, और उसके बाद हम जा रहे हैं घर। हेलमेट हमने लगा लिया और हम घर के लिए निकलते हैं। चलो दोस्तों, हम फाइनली घर पर पहुंच चुके हैं। और घर पे आके वंश, आराध्या सब लोग ये टीवी देख रहे हैं। देखो ये लोग टीवी देख रहे हैं, अंजलि खाना बना रही है, और हमारी जो अर्पिता संजना है वो अपनी स्टडी में है। ये नया ट्राइपॉड सही आ रहा है, देखो ऐसे है, देखो अंजलि ने खाना बना के तैयार रेडी हो गई मॉर्निंग के लिए। अंजलि मटर छील रही है, उसने अपने लिए चाय भी बना ली, राइस बन गए हैं, और मेरे ख्याल दाल बनाई है। मेरे लिए क्या बनाया? कद्दू।